चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और जो कि स्टेट बैंक बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट बिल 2017 के उपलक्ष्य में, जिसके दो, जैसा कि माननीय ऑनरेबल मेंबर ने अभी बताया है कि इस बिल का जो प्रभाव और मर्ज जो होना था वो 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो गया है, उसके 1 अप्रैल 2017 से फरवरी के नोटिफिकेशन से, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के आधार पर उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है, और SBI के अंदर ये 500 सब्सिडरी बैंक एसोसिएट बैंक का मर्ज हो गया है। इस बिल के माध्यम से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स 1959 वाला जो एक्ट है, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एक्ट 1956 का जो एक्ट है, उसका रिपील होगा। जब बैंकों का मर्जर हो चुका है एसोसिएट्स का, तो उसका रिपील होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सब्सिडरीज बैंक के संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंदर जो संबंधित रेलिवेंट सब्सिडरी बैंक से जो प्रोविजंस हैं, उनमें अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अब जितने भी पांचों बैंक हैं वो SBI के रूप में जाने जाएंगे। बैंक का मर्जर इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, जो कि हैदराबाद अपने अलग से 56 के एक्ट के साथ मर्जर हो रहा है। ऑनरेबल मेंबर ने बताया कि SBI की हिस्ट्री भी बताई, और SBI में इन बैंकों का मर्जर क्यों किया गया, ये ठीक है, चूँकि इंडिपेंडेंस से पूर्व हम अगर देखते हैं, जैसा कि ऑनरेबल मेंबर ने भी बताया है, तो पहले विभिन्न प्रोविजंस पे राज्य के स्तर पर ज्योग्राफिकल आवश्यकताओं को पूर्ति करे है, और रीजनल बेसिस पर और स्टेट वाइज इस तरह के बैंक थे जिनको प्रेसिडेंशियल बैंक के रूप में जाना जाता था, उसी तरह से ये भी उन्हीं का एक रूप था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम देखें तो 1906 और 1908-1909 उसके बाद में ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया, और इम्पीरियल बैंक के बाद इंडिपेंडेंस के बाद में ये 1955 के अंदर एक्ट बना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत इस बैंक का गठन हुआ, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये आता है। बैंकों का मर्जर एक ये प्रक्रिया बहुत एक बड़ी प्रक्रिया होती है, ये नहीं कि एक दिन के अंदर ये डिसीजन हुआ हो, कई बार इस तरह का होता है कि शायद सरकार ने ये डिसीजन अकस्मात लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, एक प्रोसीजर है, और एक लंबा है। इन बैंकों का जिस तरह का मर्जर हो रहा है, अगर हम पीछे की जाकर के हिस्ट्री को देखें तो समय समय पर रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस तरह की कमेटियां गठित हुई थी, जिससे देखा गया था कि बैंकिंग सेक्टर को हम किस तरह से मजबूत और सुदृढ़ करें, उसको देखते हुए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। उनमें नर्सिंगहम कमेटी, जिसका कि 1990 के दौरान उसका गठन हुआ, 1991 में उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के दौरान ये पाया गया कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए उनको हम फाइनेंशियल तौर से, कैपिटल के तौर पर और कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि उसके स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जाए। उसकी रिकमेंडेशन थी कि 3 बैंक ऐसे बड़े ग्लोबल स्तर के बैंक होने चाहिए, 8 से 10 ऐसे बैंक नेशनल होने चाहिए बड़े, और रीजनल बैंकों का गठन किया जाए, जो कि पूरे भारत देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम में सुधार होगा। लेकिन इस तरह का स्टेप जो उस समय लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और 2008 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जरूर मर्जर किया गया, लेकिन ये बैंकों का मर्जर नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद में RBI के द्वारा और इनके SBI एसोसिएट बैंक के जो बोर्ड हैं उनके द्वारा बीच के अंदर ये कंसल्टेशन चला, एक प्रक्रिया चला, चूँकि RBI के माध्यम से जिस तरह का अमलगमेशन मर्जर या इस तरह का जो जिस तरह का एक प्रक्रिया होती है उसमें उसकी बारीकियों से देखा जाता है कि इस बैंक के मर्ज जिस बैंक में मर्ज हो रहा है उसके मर्ज होने से हमारे देश के इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर सुधार किस तरह हुआ, क्या कैपिटल में होगा, कस्टमर में होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पर क्या होगा, और पूरा का पूरा जो कि हमारा रूरल बेस या इंडिया है उसमें रूरल और ग्रामीण एरिया में उसकी सर्विसेज कह गए, उसी के मद्देनज़र रखते हुए पूरे के पूरे हमारे 5 एसोसिएट्स बैंक के बोर्ड और
आरबीआई के साथ में उनका एक समझौता जिस तरह का पहला एसबीआई के साथ में था उनके बैठ करके हुआ, उन्होंने एग्री किया कि इसके अंदर एसबीआई के अंदर हमें मर्जर के लिए तैयार है। उसी के मद्देनज़र आरबीआई ने उसको अप्रूव किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने उसको फरवरी 2017 में अपना डिसीजन लेते हुए और 22 फरवरी 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन के तहत में 1 अप्रैल 2017 से ये इस तरह का मर्जर हुआ जो कि लागू हो गया है। आज अगर हम देखें कि एसबीआई जो कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर उसका एक रोल रहा है, वो हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसी के अंदर मर्जर करना क्यों ठीक रहा? अगर हम उसके कुछ पहलुओं पर देखें तो ये देखें कि आज उसका अगर कैपिटल एडुकेसी जो हमारे एसोसिएट्स बैंक का जो कैपिटल एडुकेसी था उनका असेट्स और लाइबिलिटीज थे उनको देखने के साथ और एनपीए को देखने के साथ में उनकी स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया कि देश का जो लार्जेस्ट बैंक है जिसकी फाइनेंशियल स्थिति से उसकी हेल्थ है जो बहुत साउंड है उसके अंदर मर्ज किया जाए। और इसी के तहत में कि इसके मर्ज करने से एसबीआई के अंदर मर्ज करने से हमारा कैपिटल एडुकेसी नो रोम्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर बैसल सेकंड और थर्ड की बात करें, अब सेकंड बैसल थर्ड के नॉर्म्स को हमको अडॉप्ट करने हैं और उससे बैंकिंग इंडस्ट्री को है, तो सबसे पहला ये फ़ायदा एसबीआई के साथ मर्ज करने से, क्योंकि हमारे एक तरह से ये रीऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं मर्जर के नहीं कह करके, उसका कारण ये है कि एसबीआई है दो बैंक में तो होली ओन्ड भी है और दूसरे बाद में दूसरे बैंक जो तीन है उसके अंदर भी 90% और 75% उसकी शेयर होल्डिंग भी उनके पास में है। उनको मर्ज करने के बाद में आज एसबीआई की वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल स्टेशन पर हम स्थिति देखें तो उसकी स्थिति 50 बैंक जो बड़े बैंक हैं दुनिया स्तर पर उसके अंदर 45 तो उनका स्थान है। आज उनकी ब्रांचों के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट वो बैंक के रूप में है, करीब 24,000 ब्रांचेज हैं और 59,000 उसके एटीएम्स हैं। और इसी के साथ में जैसा कि ऑनरेबल मेंबर ने भी बताया कि आज स्टाफ की और अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर देखें तो उसकी स्थिति 2,72,000 के करीब उसकी आज की स्थिति स्टेटस सेंक्शन एक्चुअल स्ट्रेंथ के रूप में आज है। तो ये स्थिति होने से सबसे बड़ा जो फायदा बैंक के मर्ज होने से एसोसिएट बैंक से होगा कि हमारा कैपिटल एडिक्वेसी है जो एक साउंड होगा और एडवांस से जो इसके बाद में 26 लाख करोड़ करीब हमारा जो एक पूंजी जो एडवांसेज के लिए जो हमारी कैपिटल रहेगी डिपॉजिट्स हमारी जो होंगी और एडवांसेज के करीब 18 लाख करीब एडवांसेज जो हमारे दिए जाएंगे। इसी के साथ में चूँकि बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से आए कि बैंकिंग सिस्टम से हमारा आम आदमी जुड़े और इसे देखा कि आपने जनधन अकाउंट के माध्यम से 32 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ना और उसके बाद में बैंकों से जोड़ने के बाद में जितनी भी हमारी जो वेलफेयर की जो स्कीम है जितनी भी जनकल्याणकारी स्कीम है जिससे डाउन टोडन क्लास के साथ साथ में मध्यम क्लास को फ़ायदा होता है उनको डिजिटल के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से उसका बेनिफिट मिले। तो चूंकि एसबीआई ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखें तो 1990 के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया और आज देखते हैं कि पूरे देश के अंदर और वो वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में आईटी के और टेक्नोलॉजी के रूप में वो सक्षम है। जब टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम होगी तो निश्चित है कि हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से डिजिटल के माध्यम से हमारे गाँव जो कि करीब मैं कहूं कि 6 लाख गांवों के अंदर हम चाहते हैं कि उनके अंदर बैंकिंग सुविधा हो उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा प्रत्येक देश का जो ग्रामीण एरिया में जो व्यक्ति रह रहा है जिसके अकाउंट है अकाउंट नहीं है अकाउंट खोले जाएंगे इन ब्रांचों के माध्यम से वो जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो निश्चित है कि हमारे जितना कि इसके पास में जो 26 लाख करोड़ डिपॉजिट्स होगा और उसके बाद में टेक्नोलॉजी के द्वारा और मैनेजमेंट की जो कॉस्ट कम आएगी उस कॉस्ट के कारण से ये निश्चित है कि जो फंड ऑफ कॉस्ट जो हमारी होगी वो कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी तो निश्चित है कि उसके अंदर हमारे इंटरेस्ट रेट जो होंगे कम होंगे। अभी भी अगर हम तुलना करते हैं अन्य बैंकों से भारत देश के अंदर तो एसबीआई की रेटें चाहे हाउसिंग लोन है चाहे व्हीकल लोन है चाहे वो किसी भी एसएमई के द्वारा इंडस्ट्री के संबंध में है उसका लोन रेट जो है वो कम है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद में उनकी इस पोजिशन को और 26 लाख करोड़ डिपॉजिट और उसमें और भी वृद्धि होगी उसको देखते हुए चूंकि मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट होगा जो कि करीब पांच बैंक अपने अलग से मैनेजमेंट करते थे आज उसके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम
जो कि बैंकिंग सिस्टम के आज के लिए ज़रूरी है। जिस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम में कई लैप्सेज होने से हम देखते हैं कि किस तरह के उदाहरण आते हैं, किस तरह की बातें हुई हैं, किस तरह के लोग हैं जो फ्रॉड कर देते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। उसका कारण यह है कि SBI का ऑलरेडी अपना सिस्टम, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, RBI का जो RBI एक्ट और BR एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत नॉर्म्स के अंदर SBI है जो पूरा का पूरा उनको फॉलो करता है, उसको और मजबूती से इन बैंकों की ब्रांच को कहेगा। कई शंकाएँ हमारे कुछ साथी कहते हैं कि इतना मर्जर होने के बाद में शायद है ब्रांचें बंद होंगी, ग्रामीण एरिया की अर्थव्यवस्था में शायद इसमें नुकसान होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से उसमें एक नाम का परिवर्तन हुआ है ब्रांचों को, किसी तरह का उसमें एक्विजिशन ब्रांचों का इस तरह से नहीं कहा कि उनको अबोलिश कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये ज़रूर है कि अगर कोई ब्रांच वाइबल नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको मर्ज किया जा सकता है, उसकी जगह दो की जगह एक गांव में एक किया जा सकता है। लेकिन ब्रांचों का विस्तारण कर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, वित्त मंत्री ने बार बार कहा भी है इस तरह का नहीं होगा। कुछ शंकाएँ आती हैं कि जिनका स्टाफ होगा, शायद सबॉर्डिनेट स्टाफ, जो भी स्टाफ आएगा उसके साथ में सेकेंडरी उसका व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये एग्रीमेंट हुआ, जब समझौता हुआ, जब चारों पाँचों बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके साथ में, RBI के साथ में ये तय हुआ कि SBI के स्टाफ को जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं, और जिस तरह का उनका मान और सम्मान होता है, तो जो बैंकों से, जो बैंक हमारे मर्ज हुए हैं, उनका भी उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा। और आज हम देखते हैं कि अप्रैल के बाद में ऐसी कोई शिकायत कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा भी नहीं आई है जिससे कि कोई दिक्कत हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से बैंक से इसका मर्ज होने के बाद में, जो कि मर्ज का रूप है, जो कार्य रूप में मूर्त हो गया है, और इस बिल के बाद में जो एक्ट होगा उसमें दोनों एक्टों का रिपील होगा, साथ साथ में जो रेलिवेंट प्रोविजन है उनको हटाने जाने से, और जो उनका आवश्यकता और उनकी नीड नहीं है उससे भी राहत मिलेगी। और इसी तरह देश के हित में, देश की इकोनॉमी को, जो आज वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी को देखते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट देखते हैं तो फास्टेस्ट रेट हमारी इसकी ग्रोथ की है, इकोनॉमी है। और भारत में जिस तरह का एक जनकल्याणकारी माहौल बना है, जिस तरह की योजनाएं हैं, बैंकिंग सिस्टम का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसमें हमारे SBI के अंदर ये मर्ज होने के बाद में उसको अचीवमेंट करेंगे। मैं समझता हूं कि वो कस्टमर्स के लिए, वो इस जनता के लिए, और जो लोग बेनिफिशरीज हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं इसी तरह से करते हुए कि जितने भी बिल से संबंधित जो भी है, इसमें रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होगी, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स होगी, बेटर इंटरेस्ट रेट होगी, जैसा कि मैंने बोला है, और इसकी प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होगा, सुपरविजन इसका सॉलिड होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम्स होगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इस तरह का मर्जर हमारे देश के हित में होगा, देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा, और इस ग्रामीण व्यवस्था के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।